हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग आ पहुंचे हैं करेले की बाड़ी में। ये देखिए, करेला पूरा लगा हुआ है दोस्तों, और इसी में से करेला छोटा छोटा फला है, उसको तोड़ लेते हैं और फिर घर में ले जाकर सब्जी बनाएंगे। दोस्तों माँ और मैं आए हैं, तो चले तोड़ लेते हैं करेले को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा करेला फला हुआ है, बीच बीच में है और इधर भी है। ये देखिए बीच बीच में लगा हुआ है, इस तरह से छोटा बड़ा सभी है। तो चले तोड़ लेते हैं हम लोग करेले को। तो देखिए इस तरह से तोड़ते जा रहे हैं हम लोग करेले को, और माँ और मैं आए हैं बाड़ी में। ये देखिए इधर लगा हुआ है। तो चलिए सभी करेले को इसी तरह से खोज खोज के बीच बीच में है, इसको तोड़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इतना सारा करेला तोड़ लिए हैं बाड़ी से, और चलिए घर ले जाकर अब सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बाड़ी से करेले को घर ले आए हैं, और चलिए इसको छोटा छोटा कर लेते हैं सब्जी के लायक, काट लेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग करेले को इस तरह से काट ले रहे हैं दोस्तों, छोटा छोटा सा। तो देखिए ऐसे ही काटते जा रहे हैं हम लोग, और बचा है उसको भी चलिए काट लेते हैं हम लोग करेले को। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सभी करेले को काट लिए इस तरह से, ये देखिए छोटा छोटा, और चलिए अब सब्जी बनाएंगे हम लोग। ये दोस्तों, अब हम लोग सब्जी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और चलिए तेल डाल लेते हैं कढ़ाई में। ये देखिए, और तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे हम लोग। और देखिए हमारा तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो चुका है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग जीरा डाल लेते हैं, ये देखिए। और हम लोग करेले की आज सब्जी बनाने जा रहे हैं, और मिर्च भी डाल लेंगे, हरा मिर्च, ये देखिए। और अब करेले को भी डाल लेते हैं। और ये करेला बाड़ी का करेला है दोस्तों, और बहुत ही स्वाद लगता है, कला भी, और छोटा करेला है ये। तो चलिए इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, जिससे कड़वाहट निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा करेला बिल्कुल अच्छी तरह से भुना गया है, और इसमें हम लोग चना डाल रहे हैं, उसको उबाल लिए थे हम लोग, मटर चना। और देखिए हमारा करेला और चना दोनों ही भुना गया अच्छी तरह से। चलिए अब नमक डाल लेते हैं, ये देखिए नमक हो गया, और मिर्चा पाउडर, और ये हल्दी, और ये धनिया पाउडर। और देखिए सभी को अच्छी तरह से मिला लिए हैं दोस्तों हम लोग, और टमाटर है उसको भी डाल लेते हैं, और कुछ देर भून लेंगे हम लोग। टमाटर भी गल जाएगा साथ में, फिर हल्का सा पानी मिला के पका लेंगे हम लोग। चलिए कुछ देर भून लेते हैं अब हम लोग, और चलिए फाइनली अब हम लोग पानी डाल लेते हैं दोस्तों पकाने के लिए। टमाटर ये सभी गल गया है, ये देखिए, और अच्छा से हल्दी मिर्च भी लग गया है सब्जी में। तो चलिए पानी डाल लेते हैं अब। और पका लेंगे अब सब्जी को हमारा। तो
तो देखिए हमारा सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है करेले का। तो चलिए अब चूल्हे से हम लोग उतार लेंगे सब्जी को हमारा। तो देखिए दोस्तों हम लोग चूल्हे से उतार लिए हैं हमारे सब्जी को। आज हम लोग करेले की सब्जी बनाए थे विलेज स्टाइल में, ये देखिए बहुत ही अच्छा। आशा करता हूँ दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। आज हम लोग करेले और चना का सब्जी बनाए थे विलेज स्टाइल में। और हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।